देखिए बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, ऐसा हो रहा है मतलब डायबिटीज हो गई। Hi guys, welcome back to my channel, welcome back to another haul video. I really hope you all are doing absolutely amazing. Well, so do I. I know again I took a break because this time also happening so many things, like I have shifted to my new place. तो नए घर में शिफ्ट करने पे जो जो होता है, जो भी चीज़ होता है वो सबको पता है, मतलब कितना सारा चीज़ आपको हैंडल करना पड़ता है. सो दिस इज़ माई न्यू लाइक प्लेस. यहाँ पे मतलब डेकोरेशन वगैरह बाकी है, बट आई थॉट लेट स्टार्ट एटलीस्ट बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग. सो आई एम हियर विथ अनदर वीडियो, लाइक अनदर मिंत्रा हॉल. आई नो यू गाइज लव 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 मिंत्रा हॉल ऑन माई चैनल, एंड दिस इज़ अ वेरी रैंडम वीडियो, दिस इज़ नॉट at all sponsored. Now coming back to the video, I have purchased few things in last couple of days. मतलब Myntra पे हमेशा ही सेल चलता है. Now I don't need to mention कि इस टाइम पे सेल चलता है, उस टाइम पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता है. I have mentioned so many times कि आपको बस अपना wish list चेक करना है. तो मैंने कुछ टॉप्स मंगवाया है, कुछ ट्राउजर ड्रेसेस और बहुत ही रैंडम स्टफ है. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर गोइंग अहेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है. Hi guys, this is Megha. I'm a content creator. You can know more about me from the description. वहाँ पर मैंने सारा अपना social media का links दे दिया है. If you want, you can join me. That would be really great. Okay, now coming to the first one, top से start करते हैं. This one, जैसे कि मैं बताई कि आप अगर कोई अच्छा सा brand भी लेना चाहो, जैसे H&M हो, Varomata हो, Only हो, ये सारा brand Myntra पर बहुत ही affordable prices में, मतलब जो original price होता है जो आप showroom में देते हो वो आपको नहीं देना पड़ता है, ऊपर से घर में आ जाता है. This is a really क्यूट वन. दिस इज काइंड ऑफ अ लाइक आपको जो आजकल जो टॉप ट्रेंडिंग है, लाइक जो कॉर्सेट टॉप है, इट लुक्स लाइक दैट. यहाँ पे मैं फोटो भी दे, बट इट हैज़ नथिंग लाइक दैट वायर थिंग. लाइक यहाँ पे कोई ऐसे हार्ड स्टफ नहीं है, जैसे आपको वो एकदम होता है ना कॉर्सेट जब पहनते हो, वो पहनना मतलब उसे मैनेज करना बहुत ही टफ होता है. आई हैव एंड इसका एक ही चीज़ मुझे लगा है, आई वेयर जनरली एम, तो जब मैं एम पहनती हूँ मुझे वो एकदम फिट आता है. बट इसके लिए जैसे H&M हो गया, ऐसे ओनली Varomata का आई टेक एस, क्योंकि एम थोड़ा सा मेरे लिए लूज हो जाता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जगह इसका नहीं बैठ रहा है. सो मुझे टॉप बहुत पसंद है, ऊपर से मैंने बोल दिया कि मेरे पास पिंक नहीं है, सो आई एम गोना कीप दिस. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉप, दिस वन द ब्रांड आई ऑलवेज शॉप फ्रॉम टोक्यो टोकीज, ओनली अवेलेबल ऑन Myntra. आई थिंक फ्लिपकार्ट में शायद है, बट पूरा कलेक्शन नहीं है, बट Myntra के पास पूरा कलेक्शन है. दिस वन इज दे हैव लॉन्च रिसेंटली, बट दिस वन इज द मटेरियल लाइक जो प्रॉपर ऐसे टॉवल मटेरियल नहीं होता है, कि इसके रिव्यू में भी था कि मटेरियल अच्छा नहीं है, टॉवल मटेरियल है, बट समहाउ आई एंडेड अप मुझे ये मटेरियल बहुत पसंद आया. आई डोंट नो, मतलब ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. एंड ये इनके नया कलेक्शन में है, बहुत ही प्रिटी कलर्स में है, एक बेबी पिंक में है, एक पाउडर ब्लू में है. तो मैंने जो भी दो तीन था वो सारा ऑर्डर कर दिया. एंड दिस वन इज़ द ये लाइक कल ही आया है, सो आई थॉट कि इसका पहले बना लेते हैं, बाकी जो दो होगा वो मैं कभी नेक्स्ट में दिखा दूँगी या फिर मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना. ये बहुत ही परफेक्टली फिट, मतलब जो इसका फिट है आप वीडियो पे देखो, इसका मेरे पास वीडियो है, मैंने रिसेंटली बनाया है, बहुत ही परफेक्ट फिट है. एंड ये कलर ऑलवेज इन ट्रेंड. कमिंग टू द नेक्स्ट वन आई कैन रिमेंबर कि ये मैंने कभी दिखाया है कि नहीं. एक्चुअली मैंने लिया था, मतलब कुछ मंथ्स हो गया है, बट आई कैन रिमेंबर कि ये मैंने दिखाया कि नहीं. दिस वन इज़ अ वेरी क्यूट वन. अगेन दिस टॉप इज़ नॉट एट ऑल माई टाइप, बट स्टिल आई लव द पैटर्न. इट कम्स विद दिस स्ट्रिंग्स, इसको आप ऐसे जो ऐसे नॉट कर सकते हो पीछे ले जाके. ऑल्सो द बेस्ट पार्ट, ये बहुत ही क्यूट टॉप है, बहुत ही समर फ्रेंडली है, एंड कलर भी सही है, बहुत अच्छा दिखता है, मतलब समथिंग डिफरेंट. मतलब मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं सॉलिड पहनती हूँ, मैं प्रिंट्स उतना ज़्यादा नहीं पहनती, बट स्टिल आई थिंक कभी कभी होना चाहिए. एंड द बेस्ट पार्ट इस टॉप का क्या है कि अभी ना समर में हम लोग किसी को बहुत ही हैवी पैडेड ब्रा पहनना पसंद नहीं है. इट कम्स विद दिस अटैच्ड लाइक पैडेड थिंग्स, तो यहाँ पे आप नॉर्मल अपना जो गो टू ब्रा है उसको पहन सकते हो, उसके ऊपर इसको पहन सकते हो. दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टॉप. कमिंग टू द नेक्स्ट
another brand I talk a lot about on my channel which is Sassafras. ये बहुत ही basic top है, मतलब ये सारी चीज़ के बारे में मुझे कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है. जो भी product का link होगा वो मैं दे दूँगी. Prices हैं just because ये बहुत ही affordable है, इसलिए आप मैंने mention किया है, क्योंकि आजकल लड़कियों को crop tops बहुत ज़्यादा पसंद है and people don't find such good crop tops. मतलब बहुत अच्छे brand में जाओ तो आपको जैसे ज़ारा हो गया, H&M के पास बहुत अच्छे अच्छे हैं. बट मतलब मैं इसलिए बनाती हूँ कि आपके पास अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है तो मुझे ऐसा नॉर्मल चाहिए होता है. सो आई गॉट दिस वन. इसका बहुत सारा कलर में है, आपको जो भी कलर चाहिए होगा वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल है, 200-300 के अंदर मिल जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये भी हाँ टोक्यो टोकिस से है. नो दिस इज़ नॉट द एंटायर थिंग, लेट मी शो यू. ये एक्चुअली इन लोगों का नया कलेक्शन है. तो ये ऐसे ना शर्ट में आता है. तो इसमें क्या है कि जैसे आप ऑनलाइन स्टोर वगैरह में देखोगे वहाँ पे ये था, मतलब मिंत्रा में मुझे आज तक तो नहीं मिला है कि ऐसे क्रॉप टॉप के साथ शर्ट में जो होता है. वो मुझे चाहिए था एक्चुअली, तो मैंने देखा कि ऐसे टोकी इसका एक ही है, इसका कोई कलर ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा चीज़ में भी नहीं है. सो आई थॉट कि कलर उतना बुरा नहीं है, बहुत ही सही लग रहा है एंड मतलब इसको कोई भी सीजन में आप पहन सकते हो. ये कॉटन का ही है. तो ये क्रॉप टॉप है एंड उसके साथ ये शर्ट है. ये बहुत ही वर्सटाइल था. जो ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे स्टोर्स है उनके पास बहुत सारा है, बट उनका मटेरियल मुझे उतना सही नहीं लग रहा था एंड बहुत ओवर प्राइस लग रहा था, लाइक 2300-3000. इट वॉज लाइक आई कांट पे फॉर दोज थिंग्स. लाइक जो मटेरियल है वो भी मुझे उतना सही नहीं लग रहा था. ये प्रॉपर कॉटन का है एंड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑब्वियसली, मतलब अगर मैं, मुझे नहीं लगता कि मटेरियल सही नहीं है या फिर वेबसाइट सही नहीं है, मैं नहीं शॉपिंग करती. तो इनके पास ये एक ही था. आई रियली होप कि ये नया नया कुछ लॉन्च करे. तो ऐसा जो ओवर साइज शर्ट है इसको आप शॉर्ट्स के साथ या फिर डेनिम के साथ पहन सकते हो इसके ऊपर. ये बहुत ही सही. ओके कमिंग टू द लास्ट टॉप विच आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा इज दिस वन. दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक वन. यू गाइज नो मी, मैं बहुत ही बेसिक चीज़ खरीदती हूँ जिसको आप बहुत सारे वे में स्टाइल कर सको एंड आपका वार्डरोब में बेसिक चीज़ ही होना चाहिए, तब आपको बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा. जिसको आप बहुत सारे वे में स्टाइल करोगे येट लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि अरे इसने यही चीज रिपीट करा है. तो दिस वन, दिस इज अ वेरी वाइड बेसिक टॉप. लाइक वाइड टॉप आपके पास कितना भी हो वो मतलब बहुत ही मैंडेटरी थिंग है. तो मुझे काफी सही लगा, तो फिट भी सही है. अगर आपको वाइड एक अच्छा सा टॉप चाहिए यू कैन इन्वेस्ट इन दिस वन. ये सारे टॉप के बारे में मैं बहुत सारा बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि दिस आर वेरी बेसिक टॉप. इसके बारे में क्या ही बात करूंगी, तो मैं जस्ट दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या. कमिंग टू द ट्राउजर्स आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा. ये एक्चुअली ये भी मैंने कुछ महीनों पहले लिया था, बट आई थिंक मैंने दिखाया नहीं है. दिस वन वन ऑफ माय फेवरेट वन एंड इट हैज टू बी, मतलब मेरे वार्डरोब का जो बेसिक कलेक्शन है उसमें से एक है दिस ट्राउजर. लाइक दिस वन इज फ्रॉम ओनली, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग, लाइक आपके वार्डरोब में जो सारा कलर है मैंने बहुत बार बात किया है, लाइक जो वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, बेज हो गया, ऐसे जो ब्राउन हो गए, ऐसे ब्राउन ब्लैक ये सारे ट्राउज़र, आपको बहुत सारे ट्राउज़र का कभी ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ऐसे ब्राउन में है या फिर बेज में है, यू आर गुड टू गो. सारे टॉप के साथ चल जाता है एंड दीज आर द बेसिक कलर्स जिसको आप बहुत सारे टॉप्स के साथ पेयर कर सकते हो. सो आई ऑलवेज बिलीव कि ये सारे चीज़ मेरे वार्डरोब में हो एंड आई एम रियली हैप्पी आई गॉट दिस वन फ्रॉम मिंत्रा फ्रॉम ओनली. And I love this one. This is one of my favorite one. I love the fit. मैंने थोड़ा सा इसका क्या हुआ था ना, इसका आपको साइज थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा. लाइक अगर 29 आता आई थिंक मेरे लिए बेटर होता. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इसका सब कुछ पसंद है. जैसे कि मैंने बताया कि ये अगर बेसिक कलेक्शन में है ये डेफिनेटली मेरा फेवरेट वन होगा. एंड आप देख सकते हो मैं बहुत बार इसको स्टाइल की हूँ, बहुत सारे वे में स्टाइल की हूँ एंड बहुत ही मतलब एक वर्सटाइल चीज़ है. अगर आप कोई ऑफिशियल वॉक है उसके लिए जा रहे हो तब भी आप इसे पहन सकते हो. आप ऐसे कभी कैजुअल भी पहनना चाहते हो जैसे कि मैंने स्टाइल किया है, ऐसे भी पहन सकते हो. कोई भी टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हो एंड आपके वार्डरोब में ये कलर डेफिनेटली आई विल सजेस्ट आपके एक हो. बहुत ही मतलब क्या बोलूँ कि बहुत ही स्टैंडर्ड कलर है जो आपके स्टाइल को एलिवेट करता है, आपके पर्सनैलिटी को एलिवेट करता है. टू द नेक्स्ट वन, मैं बहुत दिन से आई वॉज आइंग ऑन दिस वन एंड आई वॉज लिटल स्केप्टिकल बिफोर गोइंग अहेड, क्योंकि इसका एक मतलब जब ट्राउजर मैं लेती हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि एक मतलब स्टैंडर्ड जो ब्रांड होता है, मैंने बहुत बार बात किया है, अगर डेनिम हो गया, ट्राउजर हो गया, वो
मैं प्रेफर करती हूँ ज़ारा से हो, H&M से हो, या फिर ओनली वेरोमोडा, ये सारे चीज़ से हो, अदरवाइज़ मुझे उन लोगों का फिट उतना अच्छा नहीं लगता। बट ये प्रिंट में मुझे एक ट्राउज़र चाहिए था जो मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे, एंड इट्स अ वेरी यू नो फ्लोई ट्राउज़र, आप ऐसे वीडियो में देख सकते हो, बट ये काफ़ी फ्लोई है एंड इसका लेंथ यू नो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया है बिकॉज आई एम नॉट दैट टॉल। मे बी जो लोग मतलब 5'7" 5'8" की है उन लोगों के लिए हील्स के साथ बहुत सही आएगा, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा कट करना होगा फिर इसको, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी यू नो आप अगर वेकेशन में हो या फिर ऐसी मतलब ब्रंच वगैरह है कहीं पे जा रहे हो आप पहन सकते हो। मैंने जैसे उस टॉप के साथ स्टाइल किया है, इट्स लुकिंग वेरी गुड। जैसे इसका मतलब फिट के बारे में मैं अगर आउट ऑफ 10 इसे रेट करना होगा तो 7 करूँगी, क्योंकि प्रिंट के चलते पता नहीं चल रहा है फिट कैसा है। अगर जैसे वैसा होगा सॉलिड कलर में होगा तो उसका पूरा आपको यू नो फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम द बैक आपको पूरा शेप पता चलता है बॉडी का, तो इसमें वो चीज़ नहीं है, अगर शेप कैसा भी है वो चल जा रहा है। Now finally coming to the dresses, again I'm not a very dress person, specially मतलब बहुत ही मिनी जो ड्रेस होता है वो मतलब मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, बट दिस टाइम आई थॉट कि मतलब आपको ट्राई करना चाहिए। पहले भी मैं ऑर्डर की थी वो सारा है, बट स्टिल अगेन आई थॉट कि कुछ लेते हैं थोड़ा बहुत स्टाइलिंग के लिए कभी पहना जाएगा, सो आई गॉट दिस वन। दिस ब्रांड जो मैंने मेंशन किया हुआ है, आई रियली डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ट्रेंडी हो ऐसा कुछ है, बट इट्स प्रोबेबली इट्स फ्रॉम टर्की, वहाँ का ब्रांड है, बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है लाइक ज़ारा एंड H&M। ये मतलब इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही स्टाइलिश एंड बहुत ही शीक होता है। दिस वन इज द ड्रेस, आई मतलब मुझे काफ़ी सही लगा। ऐसे मुझे बेसिक, जैसे कि मैंने बताया, अगेन ब्लैक है, बहुत ही बेसिक है, कुछ नहीं है, तो मुझे पसंद आएगा। सो दिस वन इज द ड्रेस, जिन्हें ड्रेस पसंद है एंड दे लाइक समर इज ऑल अबाउट ट्रेंड्स, कलर्स, नाइस इजी ब्रिजी ड्रेसेस, सो आई थॉट कि ये लेते हैं। बहुत ही लाइक लाइट वेट है, आप कभी भी कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, लाइक फ्लैट्स के साथ, हील्स के साथ। इसको इसका बेस्ट पार्ट है कि इसको आप आई थिंक मतलब अगर आप नाइट में भी कहीं पे जा रहे हो लाइक बीच पार्टी काइंड ऑफ, वैसे भी स्टाइल कर सकते हो, इट्स अप टू यू, स्टाइलिंग इज अप टू यू, आई एम लिविंग दैट, बट इन केस यू वांट सम टिप्स फ्रॉम मी सो दैट इज वॉच। नाउ वी आर डन विद दीज थिंग्स, अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही रैंडम एंड बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ मैंने मंगवाया है। नाउ कमिंग टू दिस वन, लाइक अगर जिम जाते हो फॉर जिम के लिए, अगर घर में करते हो, आई एम अ पर्सन जो घर पे वर्कआउट मैं करती हूँ, सो फॉर दैट आई गॉट दिस वन। दिस वन इज़ फ्रॉम HRX जो मिंत्रा पे काफ़ी ट्रेंडिंग है एंड जिनके प्रोडक्ट्स आई पर्सनली लव, लाइक नॉट वेरी मच, लाइक स्टिल अगर आपको बजट फ्रेंडली लाइक एक्टिव वेयर चाहिए, दैट इज़ अ रियली गुड ब्रांड। कुछ प्रोडक्ट्स है जो मुझे नहीं पसंद है, बट कुछ मतलब 70% है मुझे अच्छा लगता है, एंड दिस वन ये बहुत ही रैपिड ड्राई है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब आप वर्कआउट कर रहे हो, घर पर हो या फिर जिम में हो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, लाइक यहाँ पर दिखाने के लिए मुझे काफ़ी स्पेस चाहिए होगा। आई गॉट दिस वन रैंडमली, मतलब मुझे दिखा, आई थिंक विंटर में मुझे लगता है इसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, सो आई थॉट कि अभी लेते हैं। जैसे मैं बहुत सारा ना रिव्यू करती हूँ, उस टाइम में मुझे ये पहनना होता है या फिर विंटर में मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही है, बहुत ही फ्लफ़ी है, बहुत ही यू नो मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ही सॉफ्ट है, बट गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप नहीं पहन पाओगे, बट विंटर में परफेक्ट। अगेन अ वेरी रैंडम थिंग दिस वन, दिस नाइट सूट। दिस डेज आई एम थिंकिंग कि सैटिन वाला काफ़ी मतलब पहले मैं सोचती थी कि शायद सैटिन वाला पहन के यू नो कम्फर्टेबल नहीं लगेगा, आई यूज़ टू वेयर समथिंग कॉटन लाइक ऐसे में नाइट वेयर, बट दिस डेज आई एम थिंकिंग अगेन रिव्यू पर्पज़ के लिए मुझे बहुत सारा चाहिए होता है, एंड दिस वन ऑल्सो मैं घर पर भी पहनती हूँ, इट्स लाइक कलर मुझे काफ़ी सही लगा, ऐसे टाई डाई वाला है एंड इट्स प्योर सैटिन का है। इट्स अ ट्राउज़र, इट्स दिस वन इज़ द फुल लाइक शर्ट, मतलब आप अगर AC यूज़ करते हो देन इट्स परफेक्टली फाइन, अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल, बट विंटर के लिए अगर आप लेना चाहते हो दैट इज़ अगेन फाइन, सो इट्स वेरी कम्फर्टेबल येट, लाइक कभी कभी पहनने के लिए भी आप ले सकते हो, आजकल हम लोग घर पे ही रहते हैं, काम वाम करते हो तब।
सो दैट्स ऑल, यही था आज का हॉल। सारा प्रोडक्ट का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, अगर कुछ भी आपको जानना होगा डू लेट मी नो। आदि ज़्यादा प्रोडक्ट्स आई हैव ऑर्डर्ड इन पास्ट फ्यू डेज एंड कुछ चीज़ पास्ट फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ दिन पहले। सो आई थॉट ये सारा इंक्लूड करते हैं एंड आई एम कमिंग अप विद एन अदर हॉल जो आपको बाद में पता चलेगा। इसमें थोड़ा बहुत हिंट दूंगी, मतलब मैंने एक बहुत ही फेवरेट ब्रांड से लिया है बट येट वो भी ऑनलाइन ही लिया है, मैंने शोरूम में जाके मैं शॉपिंग नहीं करती, अगेन आई एम मेंशनिंग। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। इफ़ यू गाइस हैव लव दिस वीडियो और अगर आपको अच्छा लगा है डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो आप देख चुके हो एंड प्रोडक्ट्स का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। एंड इन केस इफ यू लव वॉचिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज जहाँ पे मिनी रिव्यूज हो, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज, इट्स वॉग इन वैन, मैं डिस्क्रिप्शन पर भी मैंशन कर दी हूँ। थैंक यू अगैन फॉर कमिंग टू माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।